हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या शक्ति है और मैंने CSE 2019 की परीक्षा में 79वां रैंक हासिल किया है। मैं मूलतः मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी अधिकतर तैयारी घर पे रह के यहीं से की है। ये इस परीक्षा में मेरा पहला अटेम्प्ट था तैयारी के साथ। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि 2017 में जब मैं जॉब में थी और मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्या सिविल सर्विसेज में जाना है, क्या मुझे जॉब छोड़ के इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो मैंने एक अटेम्प्ट दिया था। हालांकि वह अटेम्प्ट पूरी तरह से बिना तैयारी के दिया था मैंने। इस परीक्षा में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और मैं इस वीडियो के जरिए अपना बैकग्राउंड, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम के तीनों स्टेजेस के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह जनरल स्टडीज़ की तैयारी घर पे रह के कर रहे हैं, शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं अपने बैकग्राउंड और मुझे सिविल सर्विसेज में जाने का मोटिवेशन कहाँ से आया इसके बारे में बताऊँ, तो मैंने बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, जो कि एक डुअल डिग्री प्रोग्राम था, वो किया है। इसके बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू 2 साल तक एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब भी किया है। जैसा कि बहुत से लोगों के साथ होता है कि सिविल सर्विसेज उनका बचपन का सपना होता है, मेरा एग्जैक्टली ये बचपन का सपना तो नहीं था, बट हाँ, कॉलेज में मुझे इसके प्रति थोड़ा एक्सपोजर मिला था जब मेरे बहुत सारे सीनियर्स और इनफैक्ट बहुत सारे बैचमेट्स ने भी इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया। तो जब 1 साल जॉब में बीत जाने के बाद मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है और मैं किस डायरेक्शन में आगे काम करना चाहूँगी, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस कंसिडर किए, क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज थी अपने ऑप्शंस को लेकर के। मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया 2017 में कि मुझे अगले 1 साल में ऐसा डिसाइड कर लेना है कि लाइफ में क्या करना है। तो 2017 में मैंने ये डिसाइड करने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि मैंने 2017 में एक अटेम्प्ट लिखा था। तो 2017 में मैंने जून में UPSC का एग्ज़ाम दिया था, अक्टूबर में मैंने GRE और TOEFL दिया था और दिसंबर में मैंने CFA Level 1 का एग्ज़ाम दिया था, ये फिगर आउट करने के लिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है। अल्टीमेटली मैंने इस पूरे प्रोसेस से गुजर के ये डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। मैं ये डिसाइड करना मेरे लिए इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि मुझे ये तो मालूम था कि इस एग्ज़ाम के लिए जो भी पढ़ना होता है, जिस भी ढंग का प्रोसेस होता है, वो मैं इंजॉय करूँगी, क्योंकि ये आपको एक जनरली अवेयर इंसान बना देता है। आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, बट मुझे इस जॉब प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। और मैं ये चाहती थी कि इससे पहले कि मैं जॉब छोड़ करके अपनी तैयारी शुरू करूं, मैं पूरी तरह से निश्चित कर लूं कि इस जॉब में क्या होता है, इस जॉब में क्या है जो मुझे एग्जैक्टली मोटिवेट करता है। और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो या तो कंफ्यूजन में है कि तैयारी शुरू करें या नहीं, या जिनको इस सर्विसेज को लेकर के कुछ डाउट है, या जो सिर्फ अपने आसपास के लोगों को देखकर ही इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी तैयारी शुरू करने से पहले आप अपना मोटिवेशन ज़रूर डिसाइड कर लें। ये एग्ज़ाम का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, अगर आप पहले अटेम्प्ट में भी निकालते हैं तो लगभग 2 साल का समय लगता है, और अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने पड़े तो आगे और भी टाइम लग सकता है। तो जब आप इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में घुस रहे हैं, उसके पहले आप अच्छे से डिसाइड करें कि आपको क्यों ये जॉब करना है, आपका अपना मोटिवेशन क्या है। मैं बार बार कहती हूँ, ये किसी भी पीयर प्रेशर या किसी भी पेरेंटल प्रेशर में नहीं हो सकता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, इतने लंबे समय में कुछ भी हो सकता है। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप क्यों इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या आप क्यों एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो यू विल थिंक ऑफ क्विटिंग दिस प्रिपरेशन जर्नी और दिस इंटायर प्रिपरेशन का कोर्स एट द वेरी फर्स्ट हिंट ऑफ एनी डिफ़िकल्टी इन योर प्रिपरेशन जर्नी।
इसलिए मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया ये फिगर आउट करने में, श्योर होने के लिए कि मैं क्यों ये करना चाहती हूँ। और एक बार जब आप श्योर हो जाएंगे और एक बार जब आपको अपना मोटिवेशन क्लियर हो जाएगा, तो बिलीव मी, एटलीस्ट 40% ऑफ योर टास्क इज़ डन। जब मैं तैयारी के बारे में सोच रही थी तो मुझे काफ़ी अप्रिहेंशंस होते थे इस जॉब प्रोफाइल को लेकर के, क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब सेक्टर में काम किया है और प्राइवेट सेक्टर का माहौल काफ़ी अलग होता है। आपकी लाइफ थोड़ी रिलैक्स्ड होती है, आपके पास छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, आप अपने मन मर्जी से काम कर सकते हैं। जबकि सिविल सर्विसेज मेरे हिसाब से इज़ नॉट जस्ट अनदर जॉब, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग सर्विस। और इस सर्विस में आने से पहले मैंने इस सर्विस को समझने की कोशिश की। हम बेशक इस सर्विसेज के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें सुनते हैं, बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट कभी कभी कुछ सर्विस को लेकर के जो एक नकारात्मक परसेप्शन सोसाइटी में होता है, उसके कारण से भी कभी कभी एक कन्फ्यूजन बहुत सारे एस्पायरेंट्स के दिमाग में आता है। स्पेशली उन एस्पायरेंट्स के दिमाग में जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है या गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो इस दौरान जब मेरे भी दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा था, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत हेल्प किया। ही हिमसेल्फ इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सबसे पहले तो उनने कहा कि अगर तैयारी को लेकर के तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो एक अटेम्प्ट तो दे के देखो, तुम ऐसा दे के तो देखो, तैयारी करके तो देखो, ताकि बाद में ऐसा तो ना लगे कि नहीं मैं कर सकती थी और मैंने नहीं किया। और जहाँ तक कि जॉब के चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ की बात है, तो बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि किसी भी जॉब में चैलेंजेस आते हैं। और उन्होंने मुझे अपनी कहानियों, अपनी स्टोरीज़ के द्वारा ये बताया कि कैसे उन चैलेंजेस को आप पूरी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ डील कर सकते हैं। तब जाकर के मैंने डिसाइड किया फाइनली अराउंड अप्रैल के बिगनिंग में 2018 में कि मैं ये जॉब छोड़ूंगी और मैं सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करूँगी। दूसरा जो मैसेज मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये देना चाहूँगी कि कभी कभी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन होता है अपने चॉइसेस को लेकर के, एंड इट इज़ ओके टू बी कंफ्यूज्ड। आप अगर आप कभी भी ऐसे कंफ्यूज्ड हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं, आप टाइम दीजिए अपने आप को डिसाइड करने के लिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, अगर किसी भी और चीज़ को लेकर के लाइफ में कंफ्यूजन हो तो खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एंड डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। लोगों से बात कीजिए, सलाह लीजिए, सोचिए कि आपका असली मोटिवेशन लाइफ में अल्टीमेटली क्या है। जब मैंने एग्जैक्टली ये बताया कि मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट है, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने, इनफैक्ट मेरे काफ़ी क्लोज वंस ने ऐसा कहा कि आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि आपने पहला अटेम्प्ट तो बिना तैयारी के ही दिया था, तो यू कैन वेरी वेल क्वालिटी ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट। बट द रीज़न वाई आई एक्चुअली मैंशन दैट दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट इज़ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान जो मेरे तरह कंफ्यूज्ड है और जो मेरी तरह ऐसा सोच रहा है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या मुझे ये जॉब करना चाहिए या नहीं, तो अगर मैं उसमें से एक भी इंसान के कंफ्यूजन को दूर कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैंने जैसे कि एक अटेम्प्ट दिया और बिना पढ़े दिया, ये सोच के कि शायद एग्ज़ाम दे के मुझे पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो मैं दूसरा मैसेज ये भी देना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही नाइव डिसीजन था। इन हाइंडसाइट व्हेन आई लुक बैक एट इट, आई कुड हैव वेरी वेल अवॉइडेड दैट अटेम्प्ट, बिकॉज सिर्फ एग्ज़ाम दे के आपको नहीं पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसा होता है और उसकी तैयारी क्या करनी, कैसे करनी चाहिए। बिना प्रिपरेशन के अगर आप एग्ज़ाम देने भी जाएंगे तो पेपर देख के आपको कभी ऐसा, यू कैन नेवर गेज कि कैसा क्वेश्चन है, इजी है, डिफ़िकल्ट है, या तैयारी कैसे करनी है। एक बार जब मैंने अप्रैल 2018 में फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, तो मेरे सामने नेक्स्ट समस्या ये थी कि इस एग्ज़ाम का सही स्ट्रैटेजी क्या हो। ऐसा कहते हैं कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। और सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक सही स्ट्रैटेजी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको उसके डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अप्रैल से अराउंड एक
डेढ़ महीने जो कि मेरा नोटिस पीरियड था, मैंने उस पूरे टाइम में अपनी स्ट्रैटेजी ही डिसाइड की। मैंने काफ़ी सारे टॉपर स्टॉक सुने, आज मैं खुद इस प्लेटफॉर्म से बोल पा रही हूँ। मैंने इसी प्लेटफॉर्म और भी अन्य प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल टॉपर्स के काफ़ी वीडियोस को देखा है। उनसे ये समझने की कोशिश की है कि एग्ज़ाम के तीन स्टेजेस क्या होते हैं, हर स्टेज में क्या डिमांड होती है, कैसे पढ़ना होता है, किस स्टेज के लिए पहले पढ़ना होता है, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऑप्शनल क्या लेना चाहिए। तो आई स्पेंड अ गुड 1.5 मंथ्स फॉर फिगरिंग आउट दिस। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था कि वो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। मुझे जितने भी टॉपर स्टॉक मैंने देखे उसको देख के इतना समझ में आया कि करीब करीब एक साल का टाइम इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी के लिए रिक्वायर्ड है। एक साल का टाइम और एक साल का करंट अफेयर्स आपको कवर करना पड़ता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने मई 2018 से लेकर के मई 2019 तक का समय लिया। दूसरा जो डाउट मेरे दिमाग में ये था और बहुत बड़ा डाउट था कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स से बात की जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में थे, उनमें से कुछ जिन्होंने जीएस की कोचिंग ली हुई थी, उनसे मैंने समझने की कोशिश की और टॉपर स्टॉक के थ्रू भी मुझे इतना समझ में आया कि आज के युग में जबकि ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने ईजिली अवेलेबल हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी बेशक बिना किसी हिचक के आप घर पे रह के अपनी बेसिक बुक्स को फॉलो करके इंटरनेट का बहुत ही सदुपयोग करते हुए और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट दे के इस एग्ज़ाम को आप पूरी तरह इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं जनरल स्टडीज़ की कोचिंग नहीं लूँगी। थर्ड जो पॉइंट आता है वो होता है कि ऑप्शनल क्या लें। तो इसके लिए मैंने भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया। मैंने सारे ऑप्शंस देखे, जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन होता है आप ही उसको देखिए, उसमें सारे ऑप्शनल्स और उनका सिलेबस मेंशन्ड होता है। शायद जब आप पहली बार किसी भी ऑप्शनल के सिलेबस को पढ़ें तो ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि सिलेबस में क्या मेंशन्ड है और क्या आप वो कर सकते हैं या नहीं। मेरा सजेशन इसके लिए ये होगा कि आप बेसिक एनसीईआरटीज पढ़िए, सबसे पहले 11th 12th की एनसीईआरटीज सारे सब्जेक्ट्स की, और जब आप वो पढ़ रहे हैं तो आप एक बार सोचने की कोशिश कीजिए कि उसमें से सबसे ज़्यादा रुचि आपकी किस सब्जेक्ट में है। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा ऐसा तरीका हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, जिसकी पढ़ाई बहुत से लोगों ने ग्रेजुएशन में की होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो फॉर दैट मैटर। क्या आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं? अगर आप हैं तो आप उसको ले सकते हैं अपने ऑप्शनल की तरह। मेरा मास्टर्स मैंने इकोनॉमिक्स में किया है तो मुझे इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया था, बट फिर भी मैंने ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल चुना। और आई थिंक इसका मेन रीज़न था मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे बचपन से ज्योग्राफी में काफ़ी दिलचस्पी रही है पर मैं कभी इसको एज अ सब्जेक्ट परसू नहीं कर पाई थी। मुझे लगा अभी एक मौका है तो क्यों ना करके देखें, और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, मैं इसको इन डेप्थ में पढ़ सकती थी। सेकंड मेरा क्राइटेरिया ऑप्शनल चूज़ करने का ये था कि क्या इसके रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है। कुछ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैनेजमेंट, वो काफ़ी लोगों ने MBA भी किया होता है, MBA बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं इसमें, बट जब UPSC रिलेटेड मटेरियल या गाइडेंस की बात होती है तो कुछ ऑप्शंस के लिए वो कम पड़ जाती हैं। ज्योग्राफी के लिए ऑन दी अदर हैंड काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो एक इशू नहीं हो सकता है। थर्ड जो क्राइटेरिया था वो मेरा वो ये था कि इसका जनरल स्टडीज से काफ़ी ओवरलैप है। सिर्फ GS पेपर 1 ही नहीं और प्रीलिम्स में मैप ये सब ही नहीं, बल्कि GS पेपर 3 भी काफ़ी ओवरलैप रखता है स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी से। तो इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने फाइनली अपना ऑप्शनल ज्योग्राफी चुना। इसके अलावा जो एक डाउट मेरे मन में था कि अब ऑप्शनल की कोचिंग ली जाए या नहीं, तो चूंकि ज्योग्राफी मेरे लिए एक नया ऑप्शनल था और मुझे थोड़ा टफ लगा इसके कुछ स्पेशली कुछ जियोमॉर्फोलॉजी जैसे पोर्शंस, तो मैंने इसकी कोचिंग की थी दिल्ली में आके। 3.5 महीने का वक्त मैंने दिल्ली में गुजारा था, जून से अराउंड मैं अक्टूबर तक मैं दिल्ली में थी जहाँ पर मैंने इसकी कोचिंग की थी। मैंने शब्बीर सर के क्लासेस लिए थे
और वहाँ से मैंने इसका पूरा एक साथ ही साथ मैंने एक पूरा स्टडी भी किया पूरे सब्जेक्ट का उनके कोचिंग को करते हुए ही। और मैंने उसके बाद जब मैं घर आ गई तो मैंने फिर अपना सेल्फ स्टडी से इस सब्जेक्ट को आगे परसू किया। आपको कोचिंग लेनी है या नहीं ऑप्शनल के लिए, आई थिंक आप एक बार बुक्स देख के डिसाइड कर सकते हैं ऐसा। जो नेक्स्ट चीज़ मेरे दिमाग में थी जो मुझे क्लियर करना था वो ये कि जॉब के साथ कर सकते हैं या जॉब के बिना। तो काफ़ी सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को हर साल जॉब के साथ भी क्लियर करते हैं। इनफैक्ट इस साल नेहा बनर्जी रैंक 20, शी हैज़ क्लियर्ड इट इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट अलॉन्ग विद अ जॉब एंड दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड दैट ओनली शोज़ दैट इस एग्ज़ाम को आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं, पर आप अपने जॉब के डिमांड को समझ लीजिए। क्या आपको जॉब में उतना समय मिलेगा, क्या वीकेंड्स पे आप इतना समय दे पाएंगे। मेरा जॉब थोड़ा डिमांडिंग था, उसका टाइम शेड्यूल भी ऐसा था कि मुझे मैं एडजस्ट नहीं कर पाती उसके साथ। मुझे लगा मैं ना अपना 100% जॉब को दे पाऊँगी ना ही तैयारी को। फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पूरा ऐसे जान लगाना चाहती थी इस एग्ज़ाम में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ करके ही आगे इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। तो फाइनली ये डिसाइड करने के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की। और मैं सबसे पहले आपके साथ जनरल स्टडीज़ का अपना स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को देखें और समझें तो इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। और हर स्टेज पे जनरल स्टडीज़ एक रिलेवेंट सब्सटैंशियल पोर्शन फॉर्म करता है पूरे कोर्स का, पूरे सिलेबस का। तो मैंने जनरल स्टडीज़ की तैयारी के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो जनरल स्टडीज़ में कन्फ्यूजन ये होता है कि शुरू कहाँ से करें। इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज, जो भी स्टेज है, मुझे लगता है कि आपका एक कॉमन फाउंडेशन होना चाहिए जनरल स्टडीज़ के लिए। और वो कॉमन फाउंडेशन होता है सबसे पहले तो एनसीईआरटीज़। अगला सवाल उठता है कि एनसीईआरटीज़ कौन सी करें। तो मैंने 11th 12th की ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की नई एनसीईआरटीज़ की थी एक्सेप्ट फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए मैंने पुरानी एनसीईआरटीज़ की थी, सिर्फ 11th 12th की। इन एनसीईआरटीज़ को मैंने एक स्टोरी की तरह पढ़ा था। एनसीईआरटीज़ का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैंने इनको एक स्टोरी की तरह पढ़ा था। और मैंने फर्स्ट आइटरेशन में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने हाईलाइट कर लिया था कि अगले आइटरेशन में अगर मुझे बुक रिवाइज़ करनी है तो मैं कौन से पोर्शंस और कौन से सेक्शंस को रिवाइज़ करना चाहूँगी। इसके लिए मुझे करीब डेढ़ महीने का समय लगा, जिसमें मैंने सारी एनसीईआरटीज़ कवर की, सिर्फ 11th 12th की, एक्सेप्ट फॉर ज्योग्राफी। चूँकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो मैंने ज्योग्राफी की सारी ओल्ड एनसीईआरटीज़ 6th स्टैंडर्ड से की थी, और 11th 12th के लिए नई एनसीईआरटीज़ की थी जो 4 बुक्स होती हैं। एक बार एनसीईआरटीज़ जो मेरी कवर हो गई डेढ़ महीने में, तो मैंने स्टैटिक पोर्शन के लिए फिर जो भी बेसिक बुक्स अवेलेबल होते हैं, ये बेसिक बुक्स की आपको बुक लिस्ट हर जगह मिल जाएगी, मैं भी अपने कोरा के प्रोफाइल पे इसको शेयर करूंगी। तो जो भी बुक लिस्ट होती है बेसिक बुक्स की, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होता है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होता है, इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई सा भी सोर्स चुन सकते हैं। मैंने पूरी तरह से मृणाल के वीडियोज़ को फॉलो किया था। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं अपने सारे बेसिक सोर्सेस। मेरा एडवाइस ये होगा कि कीप दीज रिसोर्सेज लिमिटेड। ऐसी टेंडेंसी में मत जाइए कि उस बुक से एक क्वेश्चन फलाना साल में आ गया था तो अब मैं वो बुक पढ़ने लगूंगी। नहीं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो उसको उसके बुक के नेक्स्ट एडिशन में वो लोग डाल देते हैं। तो उससे कंफ्यूज मत होइए, आप अपने बेसिक बुक्स को चुनिए, उन्हीं को बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। मैं रिविजन की स्ट्रैटेजी भी आपको बता दूंगी। बट मुझे ये करने में अगले 2-2.5 महीने लगे थे। मैं मिड नवंबर तक दिल्ली छोड़ने के पहले मैंने अपने एक बार सारे बेसिक बुक्स जो जीएस के होते हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, मृणाल के लेक्चर्स, उनके सारे वीडियोस, मैंने ये सब देख लिया था। तो इससे आपका जीएस का पहले एक फाउंडेशन फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले आप ये कीजिए, ये मुझे लगता है कि आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए काफ़ी होगा। इसके बाद हम जब जीएस के करंट अफेयर्स के बारे में आते हैं, तो जीएस के करंट अफेयर्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। सबसे पहले तो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर को मैंने अप्रैल में ही पढ़ना शुरू कर दिया था अपने जॉब के साथ, क्योंकि काफ़ी आपको टाइम लगता है बहुत बार इस न्यूज़पेपर को समझने के लिए।
आपको पढ़ने में टाइम लगता है। फिर कभी क्या होता है कि जब आप पहली बार न्यूज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हर न्यूज़ का एक बैकग्राउंड और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आपको वो मालूम नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको गूगल करना पड़ेगा। मैं भी गूगल करती थी हर न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। द हिंदू में जो भी न्यूज़ हुआ अगर उसको गूगल किया तो मैं ऐसे सीधे करती थी उस टॉपिक का नाम और बाद में यूपीएससी लिख के, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि न्यूज़ में साइमल्टेनियस इलेक्शन चल रहा है, तो मैंने साइमल्टेनियस इलेक्शंस यूपीएससी करके गूगल किया। इससे आपको कुछ कोचिंग्स पे मटेरियल मिल जाएगा जिसमें एक बैकग्राउंड दिया रहता है कि क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन का डिबेट, कब से शुरू हुआ, क्या बैकग्राउंड है। इस ढंग से मैंने द हिंदू की पढ़ाई शुरू की। उसके अलावा मैं क्या करती थी कि मैं कोई भी न्यूज़ मुझे हिंदू में जैसे मिला या मुझे ऐसे कहीं सुनने में मिला या मैंने कोई लेट्स से डेली टेस्ट अटेम्प्ट किया, 5 questions का जो प्रीलिम्स का होता है उसमें कोई टॉपिक आया तो मैं एक बार उस टॉपिक के आगे PIB लिख के या उस टॉपिक के आगे इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन लिख के सर्च कर लेती थी। उससे थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड मिल जाता था। कोई भी न्यूज़ के को PIB पे सर्च करने का मेरा ये इंटेंशन होता था कि मुझे एक बार गवर्नमेंट का व्यू, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव मिल जाए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उस न्यूज़ से रिलेटेड। ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स के लिए मैं PIB को सर्च करती थी। हालांकि मैं क्लियर कर दूं कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक्सटेंसिवली PIB नहीं फॉलो किया था, सिर्फ रिलेवेंट न्यूज़ को PIB से सर्च करती थी, अगर कुछ मिलता था तो उसको पढ़ लेती थी। इसके बाद मैंने IAS बाबा का बाबापीडिया डेली करंट अफेयर्स के लिए फॉलो किया। तो मेरे करंट अफेयर्स के 2 main sources थे, एक तो द हिंदू और दूसरा बाबापीडिया का डेली, जिस पर डेली करंट अफेयर्स आते थे। मुझे वो प्रिलिम्स के हिसाब से काफ़ी रिलेवेंट लगे थे, इसके लिए मैंने उनको फॉलो किया। और मैंने कोई मंथली मैगजीन नहीं फॉलो की थी और ना ही मैंने PT365 रेफर किया था। ये काफ़ी बड़ा रिस्क था क्योंकि सारे बच्चे लगभग इसको रेफर करते हैं। मुझे याद है कि अराउंड अप्रैल 2019 में मुझे काफ़ी नर्वसनेस हुआ था कि मैंने तो वो कवर नहीं किया है, एंड देन आई हैड टू टेक अ कॉल और मैंने डिसाइड किया कि अभी इस अटेम्प्ट में तो मैं ऐसे ही दूंगी, अगर समहाउ एग्जाम में मेरी स्ट्रैटेजी नहीं काम करती है तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको चेंज करके फिर वो सारी मंथली मैगजीन्स रेफर करूँगी, बट समहाउ इट वर्क्ड। तो अब बात आती है नेक्स्ट की नोट्स कैसे बनाते थे न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं या नहीं, न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं आप उसको कैसे रिटेन करें। तो मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए थे, काफ़ी एक्सटेंसिव नोट्स बनाए थे। मैं हिंदू पढ़ने में रोज़ दिन 2-2.5 घंटे डिवोट करती थी। बहुत बार दिमाग में डाउट आता था कि क्या 2-2.5 घंटे देना सही है या नहीं, स्पेशली जब इतना सब कुछ पढ़ना होता है पहली बार में। बट मुझे ऐसा लगता था कि वो जो द हिंदू पढ़ने का प्रोसेस है वो काफ़ी इनरिचिंग होता था मेरे लिए। मुझे चीज़ों की स्टोरी समझ में आती थी, क्यों किस कॉन्टेक्स्ट में उसका बात हो रहा है, और इससे मेरा रिटेंशन बढ़ता था। जब नोट मेकिंग की बात आई तो मैंने हार्ड कॉपी में ही सारे नोट्स बनाए थे। मैं नोट्स कैसे बनाती थी, मैं प्रिलिम्स और मेन स्पेसिफिक नोट्स अलग अलग बनाती थी। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए मेरे नोट्स कैसे होते थे कि मैंने एक A4 शीट लिया, उसके टॉप पे मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी लिखा। अब मैं डेली जब पेपर पढ़ रही हूँ और मुझे इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी वन लाइनर्स मिल रहे हैं जो प्रिलिम्स के हिसाब से स्पेसिफिक हो सकते हैं या प्रिलिम्स के हिसाब से यूजफुल हो सकते हैं वो मैं उनमें लिखती जाती थी। ऐसे ही मैंने एनवायरनमेंट के लिए बना लिया, पॉलिटिक के लिए बना लिया, स्कीम्स के लिए बना लिया, कुछ IR का आया तो उसके लिए बना लिया। ऐसे मैंने A4 शीट्स बनाए एक एक और उन पे लिखती जाती थी। और मेरे नोट्स बहुत छोटे होते थे, मेरा अल्टीमेट ये एम ये होता था कि मेरे नोट्स बहुत कंसाइज रहें ताकि जब मैं रिविजन कर रही हूँ तो मुझे बर्डन कम लगे, मुझे ऐसा लगे कि अरे एक ही पेज तो पढ़ना है, भले ही उस पेज पर मैंने कितने छोटे में कितनी सारी चीज़ें भी लिखी हूँ। तो ये मेरा नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी था। उसके बाद मैंने मेंस के लिए कैसे नोट्स बनाए थे पेपर न्यूज़पेपर से, मैंने द हिंदू के एडिटोरियल पेजेस और ऑपेड पेज को मैं पढ़ती थी और फिर क्या करती थी कि उसमें जो भी आर्टिकल हुआ उसको पहली रीडिंग में समझा मैंने, दूसरी रीडिंग में आई यूज़ टू राइट डाउन। अब हर आर्टिकल नहीं, जो आपको रिलेवेंट लगे आर्टिकल, रिलेवेंट कैसे लगेगा इसके लिए आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी मुझे सिलेबस से रिलेवेंट आर्टिकल लगता था मैं उसको लिख लेती थी। लिखती कैसे थी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, कि बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिख लिया, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, पॉजिटिव्स लिख लिया, व्हाट आर द नेगेटिव्स, नेगेटिव लिख लिया, एक A4 शीट में। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली न्यूज़पेपर में या किसी कोचिंग के वेबसाइट पे मुझे जो भी मटेरियल मिलता था मैं उसी A4 शीट में ऐड करती जाती थी। तो इससे क्या हुआ, मेरे मेंस के करंट अफेयर्स भी तैयार हो गए। कैसे, क्योंकि बाय द एंड ऑफ 1 ईयर
मेरे पास सारे ऐसे A4 शीट्स थे उस एक साल में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं उनके लिए, और वो पूरे कंसोलिडेटेड थे, मतलब उससे रिलेटेड जो भी आया था न्यूज़ में मैंने उसी में लिखा था, ठीक है। अब बात आती है कि मेंस के लिए करंट अफेयर्स समझ में कैसे आएंगे कि कौन से रिलेवेंट है कौन से नहीं है, या मेंस के लिए GS कैसे करना है। तो मेंस के लिए स्टैटिक पोर्शन मैंने जो आपको प्रिलिमिनरी के लिए बताया उससे काफ़ी हद तक आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या कीजिए आप कि मेंस के सिलेबस को लीजिए और उसको बाय हार्ट कर लीजिए। मेंस के सिलेबस को बाय हार्ट करने से आपको याद रहेगा कि मेंस के सिलेबस में क्या क्या है। मैंने बिल्कुल दिल से उसको याद कर लिया था, मतलब 5-6 बार लिख के, बिल्कुल जब तक मेरे ज़बान पर रट नहीं गया था, ऐसे मैंने सारे पेपर्स के सिलेबस याद किए थे। तब क्या होता था कि मैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो आई वॉज एबल टू रिलेट कि कौन सा न्यूज़ सिलेबस से रिलेवेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर है या इंक्लूसिव ग्रोथ है तो मुझे पता चल जाएगा कि कहीं वुमेन के डेवलपमेंट से, वुमेन के ग्रोथ से, माइनॉरिटीज़ के ग्रोथ से, थर्ड जेंडर के ग्रोथ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में आया है तो ये रिलेवेंट हो जाता है। कोई लॉ पास हुआ है तो रिलेवेंट हो जाता है। इस ढंग से मैं आइडेंटिफाई कर पाती थी न्यूज़ को। नेक्स्ट ये आता है कि स्टैटिक पोर्शन के लिए क्या करें। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए मेंस के लिए आप क्या करें कि सिलेबस के एक एक वर्ड को उठाएं और उस वर्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें। जैसे अगर आप एग्जांपल दें और ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, तो आप मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ले लें, कोल हुआ, आयरन हुआ, नेचुरल गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिसोर्सेज कैसे हैं, क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट है, क्या हम इम्पोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो वेयर डज इंडिया स्टैंड, ये सारे टॉपिक्स आप एक जगह, ये सारी चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड आप एक जगह पर प्रिपेयर कर लें। आप इसको ऑनलाइन भी कहीं लिख सकते हैं अपने नोट्स में। मैं जनरली एक A4 शीट में लिखती थी क्योंकि मुझे हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए होते थे। आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी, तो इसलिए मैं उनके एक वो बना लेती थी, एक हैंड रिटन नोट्स बना लेती थी। अगर मैंने कभी ऑनलाइन नोट भी बनाया तो मैं उसका प्रिंट आउट ले लेती थी और उसी को बार बार पढ़ती थी। फिर जब भी कोई न्यूज़ इससे रिलेटेड आता है, जैसे सरकार ने कोल के लिए कोई पॉलिसी लाई, स्टील के लिए हमारी नई पॉलिसी आई, या हमने डिसाइड किया कि हमें स्टील के इम्पोर्ट में अभी इम्पोर्ट को कम करना है, स्टील के प्रोडक्शन में वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट, तो मैं उसी में ऐड कर लूँगी। तो वो जो नोट्स होते थे वो एक होलिस्टिक नोट्स हो जाते थे जिसमें मुझे स्टैटिक भी पता है, जिसमें मुझे उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी मालूम है। और इस ढंग से मैंने अपने पूरे GS का प्रिपरेशन किया। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात आती है तो मैं उसको कोरा पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मेरे दो ही मेजर रिसोर्सेज थे। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो था इंडियन एक्सप्रेस का ऐप है। आप उस ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे एक पॉडकास्ट आता है 3 Things, वो पॉडकास्ट मैं डेली सुनती थी। वो पहले 15 मिनट का होता था, अब उसका ड्यूरेशन अराउंड 30 मिनट्स के आसपास हो चुका है। मैं कुछ भी काम करते वक्त इसको सुनती थी, जैसे मैं जब ऑप्शन की कोचिंग से घर आ रही हूँ या मैं खा रही हूँ तो मैं सुन लेती थी एक बारी। उसमें बहुत अच्छे से हर इशू को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ डिस्कस करते हैं। ऐसे ही ऑल इंडिया रेडियो के भी शोज़ होते हैं, और हाँ, राज्यसभा TV का बिग पिक्चर, वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है। मैं भी उसको एक किसी भी जैसे टॉपिक में मुझे होलिस्टिक नोट्स प्रिपेयर करने हैं, होलिस्टिक नोट्स, तो मैं उसको रेफर कर लेती थी। उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन भी मिल जाता है, बैकग्राउंड भी मिल जाता है, इतने एक्सपर्ट्स होते हैं उस पैनल में जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताते हैं, और अंत में द होस्ट ऑफ द शो ऑल्सो क्लोजेज द शो विद अ कंक्लूजन, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आंसर फॉर यू। उसको भी मैंने मेंस के लिए रेफर किया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो होता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो मैंने अपनी लगभग नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर दी। मैंने बेसिक बुक्स के लिए कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मैं बेसिक बुक्स में क्या करती थी कि जब मैं पढ़ रही हूँ उस बुक को तो मैं फ़र्स्ट टाइम में लेट्स से येलो कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट करूँगी, फिर सेकेंड टाइम मैं उनको पढ़ूँगी रिविजन में, उसके बाद मैं उसमें से कुछ पोर्शन किसी और कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूँगी ताकि उसी में मेरे नोट्स छोटे होते जाएं। जब मैं फाइनल रिवीजन कर रही हूँ या क्विक रिवीजन चाहिए तो मैं सिर्फ फाइनली हाइलाइटेड पोर्शन को पढ़ के निकल लूँ। मैंने अलग अलग ढंग की रिवीजन स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया मल्टीपल कलर से हाईलाइट करना। सेकेंड स्ट्रैटेजी थी जैसे स्पेक्ट्रम में, मुझे हिस्ट्री में बहुत सारे छोटे छोटे नाम ये सब याद करने होते थे
तो उसके लिए मैंने थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। जैसे मैंने स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर लिया, जैसे कौन कौन से लीडर्स थे जो चंपारण सत्याग्रह में इन्वॉल्व थे, कौन कौन से लीडर्स थे जो जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, कौन कौन सी पार्टीज़ थी, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर से लिख लेती थी एक छोटे से पेज पे। और मैं जब रिवीजन करना है या जब मुझे रटना है, रट्टा लगाना है उन सारी चीज़ों का, तो मैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ऐसे बोल बोल के याद कर लेती थी। दैट वॉज फॉर हिस्ट्री, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होता था। इसके अलावा मैं एक बहुत बार ये करती थी कि मैं बुक्स लेके रात में बेड पे जाती थी, तो मैं बुक लेके चली जाती थी। जैसे स्पेशली मैप्स के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैं हर दिन एटलस लेके चली जाती थी बेड पे, और उसमें जैसे कोई भी एरिया का मैप लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूरोप का मैप लिया, मैं सोने से पहले उसको देखूंगी और उसका एक मेंटल इमेज फॉर्म करते करते आई यूज्ड टू फॉल अस्लीप। इससे मुझे वो चीज़ मैप्स बहुत अच्छे से कंठस्थ हो गए थे अंत तक, जो कि इंपॉर्टेंट था मेरे ऑप्शनल के लिए भी और जीएस में भी। मैप्स इज़ ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज। फिर रिविजन के लिए आप नोट्स ऑनलाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन रिविजन कभी कभी ईजी होता है, आप सीधे कंट्रोल एफ कर सकते हैं। बट मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से अरेंज किया था। मैंने फोल्डर्स बनाए थे हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे सोसाइटी का एक फोल्डर, इकोनॉमी का एक फोल्डर, उसमें मैंने अपने नोट्स को अरेंज किया था ताकि रिवीजन में मुझे क्विक एक्सेस मिले उन सारे नोट्स का। और रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाँ तो हर स्टेज के लिए मैंने क्या किया था कि मैं अपने रूम में एक चार्ट पेपर ला के लगा लेती थी। अब प्रीलिम्स में जो भी चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही, मैं उस चार्ट पेपर पे लिख देती थी, जो कि मेरे स्टडी टेबल के सामने होता था। मैं उनको बस देखती थी और वो सबकॉन्शियसली देखते देखते मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गए। ऐसा ही मैंने मेंस के लिए किया था। मेंस वाले चार्ट पे मैंने आर्टिकल्स, कमिटीज़, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ये सब लिख लिए थे। किसी बहुत अच्छा रिपोर्ट आया तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए थे। इंटरव्यू के लिए मैंने अपने स्टेट से रिलेटेड काफ़ी डेटा कि कितने लेट्स से कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने डिविजन्स हैं, ये सारे डेटा मैंने लिख लिया था, जिससे मुझे याद करने में आसानी हुई थी। आप भी ये कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नर्वस हो जाते हैं कि हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं पर याद नहीं हो रही हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि उस केस में आप बिना चिंता के सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ उनको एक बार ही पलटिए। आप याद करने की कोशिश मत कीजिए, आप बस ऐसे उनको पढ़ते रहिए बार बार, क्योंकि आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उन सारी चीज़ों को रजिस्टर करते जाता है। आपका मेन एम ये होना चाहिए मैक्सिमम रिवीजन, लिमिटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन, एंड दिस शुड बी योर हाईलाइट फॉर द इंटायर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। रिवीजन और नोट्स के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है वो ये है कि टेस्ट सीरीज़ कैसे अटेम्प्ट करें। मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ आर दी अल्टीमेट वे ऑफ टेस्टिंग योर प्रिपरेशन। आप प्रिपेयर तो करते हैं, बट आपके मन में जो भी डाउट्स आते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है, सही ढंग से पढ़ाई हो रही है या नहीं, मुझे लगता है इसको आप एक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए मैंने एक आईएएस बाबा की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और बाकी टेस्ट मैंने मार्केट से ख़रीद के दिए थे। टेस्ट सीरीज़ हमेशा आप कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में दे रहे हों। जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने 9 to 11 हर दिन एग्ज़ाम लिखा था। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर गर्मी होती है जून के महीने में, तब एग्ज़ाम होता था, तो बिना एसी के आप बैठ सकें 2 घंटे अपने मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इसके लिए मैं बिना एसी के फ़ैन के अंदर ही बैठ के तैयारी टेस्ट सीरीज़ देती थी। मेंस के लिए भी ऐसे ही मैंने जब टेस्ट सीरीज़ लिखा तो आपके मेंस के एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं। मैंने एक दिन में 2-2 पेपर बिल्कुल उसी टाइम पर लिखे, जैसे मॉर्निंग GS1 लिखा, इवनिंग GS2 लिखा, नेक्स्ट डे GS3 GS4 लिखा, उसके एक पहले वाले दिन ऐसे जाके लिखा, ताकि मुझे पूरा पता हो कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है या नहीं है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है या नहीं है, हो रहा है तो कैसे उस 2 घंटे में उसे डील करना है, ताकि आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर माई परफॉर्मेंस ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। ऑल्सो नेक्स्ट इज द इशू दैट हाउ शुड यू एनालाइज अ टेस्ट सीरीज। नाउ फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मुझे लगता है टेस्ट देने से इम्पॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज कैसे कर रहे हैं। अगर मुझे टेस्ट देने में 2 घंटे लगते थे तो मुझे एनालाइज करने में करीब 2.5-3 घंटे लगते थे डेली। एनालिसिस में मैं देखती थी कि सबसे पहले तो क्या मैंने कोई ऐसे क्वेश्चंस में तो गलती नहीं की है जिनको मैं जानती हूँ। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं जो आप जानते हैं, तो सबसे पहले उन पे वर्क कीजिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन दैट यू ऑलरेडी न्यू, क्योंकि काफ़ी कम क्वेश्चंस होते हैं जो 100% आप जानते हैं। अगर आप उनमें भी गलती कर दे रहे हैं तो आप बहुत ही
सिली ढंग से अपने मार्क्स को लूज़ करेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ कि जब आपने गेस किया, जैसे कि सबको पता है कि कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जिनके आपको आंसर्स आएंगे, बाकी में यू हैव टू मेक अ कैलकुलेटेड गेस। तो मैं देखती थी कि मैंने कितने क्वेश्चंस गेस किए, उनमें से हर क्वेश्चन को गेस करने टाइम मेरा लॉजिक क्या था, अगर सही हुआ तो क्या मेरा लाइन ऑफ लॉजिक 2-3 टेस्ट में कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है, अगर गलत हुआ तो मेरे लाइन ऑफ लॉजिक में क्या फ्लॉ था, क्यों गलती हुई, मैं उस पर वर्क करती थी। मैं OMR शीट में मार्क भी करती थी प्रीलिम्स के आंसर्स, ताकि OMR शीट में मार्किंग में कोई दिक्कत ना हो जाए प्रीलिम्स के दिन पे। मेंस के लिए ऐसे ही जो भी टेस्ट सीरीज़ जब चेक होके आती थी, जो भी कॉपीज़ में कमेंट्स होते थे, मैं उनको मॉडल आंसर्स से मिलाती थी। वो लोग बाकी बच्चों के भी पेपर्स डालते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, मैं उनसे भी कंपेयर करती थी कि मेरे आंसर शीट में क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या कोई पॉइंट मिसिंग थी, डिड आई मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या मैंने डायग्राम्स नहीं बनाए, या मेरी राइटिंग लेजिबल नहीं थी, इन सारी चीज़ों पे भी मैं वर्क करती थी, या मेरा स्पीच सही नहीं है, एम आई एबल टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम, इन सारी चीज़ों पे मैंने काम किया बाय राइटिंग द टेस्ट सीरीज़। मुझे लगता है कि वैसे ही मैंने इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, हालांकि ज़्यादा नहीं दिए थे, मैंने 3-4 ही मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, बट आई मेड श्योर कि मैं मॉक इंटरव्यूज़ दे रही हूँ स्टेज के लिए भी, ताकि आई एम प्रिपेयर्ड कि मैं एग्ज़ाम के दिन पर कैसा परफॉर्म करूँ। तो आई थिंक टेस्ट सीरीज़ हर स्टेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, दे आर दी ओनली वे टू टेस्ट योर परफॉर्मेंस। हाउएवर वो टेस्ट सीरीज शुड ऑल्सो बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज क्वेश्चंस ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन विल नॉट बी लाइक द क्वेश्चंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड इन योर टेस्ट सीरीज़। हाउएवर आपकी स्ट्रैटेजी और आपका कॉन्सेंट्रेशन और आपका अप्रोच टूवर्ड्स पेपर दैट हैज़ इवॉल्व वाइल अटेम्प्टिंग दीज टेस्ट सीरीज़, वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि मेरा ऑप्शनल, मैंने ऑप्शनल की तैयारी कैसे की। तो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, मैंने ज्योग्राफी के लिए शब्बीर सर के यहाँ कोचिंग किया था, और मेरे ऑप्शनल का ये फाउंडेशन था शब्बीर सर के नोट्स, मैंने उनके नोट्स से ही अपना बेसिक वो फॉर्म किया था, नोट्स प्लस NCERT की जो मेरी स्टडी थी। एक बार जब ये ख़त्म हुआ तो मैं ये करती थी कि मैं डेली कोचिंग जाती थी, मैं वहाँ से आती थी, जो भी डेली पढ़ाया गया उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ करती थी। अगर मुझे वो रिलेवेंट पोर्शन किसी बुक में मिल रहा है तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको उसी टाइम वहाँ से पढ़ लूँ, ताकि मुझे वहीं के वहीं वो टॉपिक समझ में आ जाए, ताकि बाय द एंड ऑफ द कोचिंग, बाय द एंड ऑफ द 3.5 or 4 मंथ्स आर आई स्पेंड देयर, मेरा ऑप्शनल काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार हो जाए। इसके बाद जब मैं घर आ गई तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑप्शनल के सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक उठाए, और जैसा कि मैं मेंस के लिए भी करती थी, मैंने उन सब से रिलेटेड एक एक A4 शीट बनाया जिस पे मैंने अपने कॉन्साइज नोट्स बना लिए। मैं उनको ही रिवाइज़ करती थी, मैं कोशिश करती थी कि कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी हो तो मैं उसमें लिख दूँ। अगर मुझे कभी कोई थिंकर के बारे में पता चल रहा है जो उस टॉपिक से रिलेटेड है तो भी मैं उसी में ऐड करती थी, ताकि एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन माई नोट्स आर कंसाइज। मैंने ज्योग्राफी के लिए टेस्ट सीरीज़ तो एज सच किया नहीं था, मैंने रजिस्टर डेफिनेटली किया था एक टेस्ट सीरीज़ के लिए, बट उस टाइम पे शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए थे, मैंने 2 टेस्ट दिए थे, तो मेरे लिए वो थोड़ा डीमोटिवेटिंग हो रहा था, तो मैंने उसके बाद कोई टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया। और इसके बाद मैंने, ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2018 के आसपास की बात है, फिर मैंने फाइनली जो पेपर्स लिखे वो सीधे एग्ज़ाम में जाके ही लिखा था। बट मैंने क्या किया था कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ज्योग्राफी या किसी भी और एग्ज़ाम, मतलब इस एग्ज़ाम में किसी भी और स्टेज के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुड बी योर 2 बेस्ट फ्रेंड्स। आप सिलेबस देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझिए। विशाल पब्लिकेशंस की बुक आती है ज्योग्राफी के क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की, मैंने हर टॉपिक को जब मैं पढ़ती थी मैं उसके क्वेश्चंस देखती थी कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ओवर द ईयर्स क्वेश्चंस कैसे इवॉल्व हुए हैं, और मैं या तो उन, मैंने ज्योग्राफी के लिए या तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फुल लेंथ आंसर्स लिख के प्रैक्टिस की, या फिर मैं एक दिमाग में एक ढांचा बना लेती थी कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं उसको कैसे आंसर करूँगी। क्योंकि ज्योग्राफी में या फिर किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चंस पुराने क्वेश्चंस के जैसे होते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है।
ये बेसिकली मेरी ओवरऑल ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी थी। मैंने कोशिश ये भी किया था कि मैं ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स इनकॉर्पोरेट करूँ, ताकि मेरे पेपर को एक करंट लुक मिले और पेपर वन पेपर टू को रिलेट करूँ। इनफैक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में फिज़िकल ज्योग्राफी या फिज़िकल ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे कॉपरेट करना है वो मैंने किया था। मैंने प्रथम कौशिक सर की स्ट्रैटेजी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और उसको मैंने फॉलो किया था, और वो काफ़ी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो। मेरा मेन मैसेज, अगर कोई भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है तो मैं अपनी जो लर्निंग्स, कुछ कोर लर्निंग्स इस पूरे प्रोसेस से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो नंबर वन तो ये है कि आप प्लीज़ अपना मोटिवेशन बहुत क्लियर कर लीजिए। स्पेंड सम टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग वाई एग्जैक्टली यू वॉन्ट दिस एग्जाम टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, वाई एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू गेट इन टू सिविल सर्विसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये दिस विल कीप यू गोइंग एट योर लो पॉइंट्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज। सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि इन दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस डू नॉट कैरी एनी बैगेज फ्रॉम योर पास्ट। यानी कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी आपने एक बार शुरू कर दी है तो आप इस पे मत टाइम स्पेंड कीजिए ये सोचने में कि आपका पहला परफॉर्मेंस कैसा था, आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आप पहले कैसे स्टूडेंट रहे हैं। ट्रस्ट मी, यूपीएससी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड यूपीएससी इज़ द अल्टीमेट लेवलर। मतलब ये एग्ज़ाम आपको एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस करवा देता है। मैंने बहुत टॉप कॉलेजेस के बच्चे देखे हैं जो ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं। मैंने बहुत हम्बल बैकग्राउंड के लोगों को देखा है, आप लोगों ने भी सुनी होगी टॉप स्टॉक और स्ट्रैटेजी, बहुत बच्चे क्लियर कर लेते हैं। द ओनली थिंग दैट काउंट्स वंस यू आर इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस इज़ योर कन्विक्शन एंड योर हार्ड वर्क, योर डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग। दैट इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर, दैट इज़ द ओनली कॉमन डिनोमिनेटर अक्रॉस ऑल द टॉपर्स और ऑल द पीपल हु क्लियर दिस एग्जामिनेशन। दूसरी तैयारी ये है कि जब, व्हेन आई से डू नॉट कैरी एनी बैगेज, इट आल्सो मींस कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई बट समहाउ यू आर नॉट एबल टू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी। नाउ डू नॉट गेट कॉट अप, ऐसा नहीं कि दो दिन स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हुई तो चार दिन उस अफसोस में बता दिया कि वो दो दिन क्यों नहीं पढ़ पाए। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। अगर आप कभी भी इस एग्ज़ाम प्रोसेस में अच्छा नहीं कर पाते हैं, एक ब्रेक लीजिए, एनालाइज़ कीजिए कि आपकी गलतियाँ क्या हुई होंगी, तुरंत उनको इम्प्रूव कीजिए और आगे बढ़िए। और सबसे अंतिम जो मैं बात कहना चाहूँगी वो ये है कि एक सपोर्ट सिस्टम अपने आसपास कोशिश कीजिए आप रखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे लोग जो आपको भरोसा दिला सकें खुद पे, जब आपका खुद पे भरोसा जा चुका हो। मैं घर पे तैयारी कर रही थी तो मेरे पास मेरी मम्मी थी। माई मदर यूज़ टू लिसन टू ऑल माई प्रॉब्लम्स वेरी पेशेंटली एंड इट वॉज़ वेरी टचिंग एंड नाइस, बिकॉज शी हरसेल्फ डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, बट स्टिल वो मेरे सारे प्रॉब्लम सुनती थी कि करंट अफेयर्स में क्या नहीं हो पा रहा है, सोर्सेज नहीं समझ में आ रहे हैं। बहुत पेशेंटली सुनती थी, जस्ट हर लिसनिंग टू माई प्रॉब्लम्स सॉल्व 50% ऑफ माई प्रॉब्लम्स। आई हैड अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, कुछ UPSC बैकग्राउंड से, कुछ नॉन UPSC बैकग्राउंड से, जो हमेशा मुझसे बात करते थे और हमेशा मुझे खुद में भरोसा दिलाते थे। तीसरा है कि इफ़ यू कैन फॉर्म अ ग्रुप, हालांकि मेरा प्रीलिम्स और मेंस के स्टेज में कोई ग्रुप नहीं था, बट इंटरव्यू स्टेज में मैंने दो और लोगों के साथ ग्रुप फॉर्म किया था और उन दोनों लोगों के साथ डिस्कशन से मुझे इंटरव्यू स्टेज में काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो इफ़ यू कैन फॉर्म अ ग्रुप फॉर योर सपोर्ट सिस्टम और टू कीप योर सेल्फ गोइंग स्लगिशनेस से बचने के लिए पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, तो आप वो भी कर सकते हैं। रिमेंबर दैट एनी वन कैन डू इट एंड there are a lot of examples of people from a lot of different backgrounds who have done it. Listen to Topper's talk, identify your own strategy, and then begin on this journey. Good luck.